हेलो फ्रेंड्स, वेदन कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आपका स्वागत है। और जो आज का टॉपिक है हमारा, जो हम स्टार्ट करने वाले मैथमेटिक्स में, वो क्या है? कॉम्बिनेशन। इससे पहले की क्लासेस में परमुटेशन पे क्लासेस दे चुका हूँ। ये टॉपिक्स हमारे एग्जाम में बहुत ज़्यादा आते हैं, मैं पहले ही आपको बता चुका था। तो आज हम पढ़ेंगे हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट और बच्चों के लिए जो काफ़ी टफ लगता है उन्हें करने में, कॉम्बिनेशन। तो बच्चों, हम आज डेफिनेशन से स्टार्ट करने वाले हैं। उससे पहले मैं ये कहना चाहूँगा, जिन्होंने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारी इस फैमिली को ज्वाइन करिए, सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब का जो आइकन दिया हुआ है उस पर आपको जस्ट क्लिक करना है, तो आपको इससे कंटिन्यूस अपडेट भी मिलती रहेगी। तो देखते हैं बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है। देखिए, कॉम्बिनेशन अगर मैं हिंदी में कहना चाहूँ तो यह है क्रमचय। और हर एग्ज़ाम में, हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। तो आपको यही ध्यान देना है कि इसमें हमें पहले समझना है एग्जैक्टली क्या होता है। हम करने लगते हैं, हम फॉर्मूला देखते हैं, अगर हम उस चीज़ को समझ लें ना तो हम ज़्यादा आसानी से कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दे के आज बताऊँगा कि कैसे हो सकता है जो कॉम्बिनेशन होता है वो होता क्या है। देखिए, अगर मैंने यहाँ पर लिखा एक्स वाई जेड, ठीक है, मैंने क्या लिखा एक्स वाई जेड। अब मुझसे बोला गया, मैं भाई अगर मुझे दो सिलेक्शन करने हैं तीनों में से तो मैं कितने तरीकों से कर सकता हूँ। नाउ इफ आई हैव टू सिलेक्ट टू आउट ऑफ दीज थ्री, देन इन हाउ मेनी वेज आई कैन सिलेक्ट। तो यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर सिर्फ कुछ नहीं है। अब कैसे कर सकता हूँ मैं? या तो मैं ये दो पेयर बना सकता हूँ, या तो दो इनका पेयर बन सकता है, या तो इन दोनों का बन सकता है। कहने का मतलब है एक्स वाई, फिर x के साथ ही कौन बन गया? z। भाई y के साथ x का हो चुका था, z के साथ भी x का हो चुका था, बचा किसका? y और z का। तो भाई या तो ये बन सकता है, या तो ये ले सकता हूँ, या तो ये ले सकता हूँ। तो ये एक तरीके का सिलेक्शन है। परम्यूटेशन बच्चों हमने पढ़ा था, वो अरेंजमेंट था कि हम आगे पीछे कैसे अरेंज कर सकते हैं या जमा सकते हैं चीज़ों को। लेकिन जो कॉम्बिनेशन होता है वो सिलेक्शन होता है। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ, आपके पास दो ब्लैक शर्ट है, एक वाइट शर्ट है, एक ब्लैक शर्ट है, ठीक है, एक वाइट शर्ट है और एक ब्लैक शर्ट है, आप और आपके पास एक जीन्स, तो आप उसे कितने कॉम्बिनेशन में पहन सकते हो? अगर आपको पहनना हो तो भाई, या तो मैं वाइट शर्ट के साथ जीन्स पहनूंगा, या तो मैं ब्लैक शर्ट के साथ पहनूंगा। तो यहाँ पर कितने कॉम्बिनेशन बने? दो कॉम्बिनेशन बने। बच्चों, कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि कॉम्बिनेशन पे बेस्ड आपके प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं एग्जाम में। अगर आपने देखा हो, बॉल्स निकालने वाले क्वेश्चन जो बैक से निकालते हैं, वो टोटली कॉम्बिनेशन पे डिपेंड करते हैं। तो कॉम्बिनेशन एक तरीके का सिलेक्शन ही है। अब यहाँ पर यूज़ होता है एक फॉर्मूला जो आपके क्वेश्चन को मिलता है आसान, क्योंकि हम ऐसे थोड़ा ना कर सकते हैं हर क्वेश्चन को, कुछ बड़ी स्पेलिंग दे दी, कितने सिलेक्शन करते जाओगे? आपको सिलेक्शन अगर 15 लोगों में से दे दिया, कितने कॉम्बिनेशन बनाओगे? तो वहाँ थोड़ा टफ होता है। तो यहां पर हम सीखेंगे कि क्या है कॉम्बिनेशन। अगर मैंने यहां पर लिखा NCR, तो N मतलब है नंबर ऑफ पीपल, नंबर ऑफ एंटिटीज, कुछ भी मान लो आप, मतलब आपको दिए कितनी गई है, संख्या कितनी है, ठीक है, टोटल नंबर्स कितने हैं जो भी आपको दिया गया है, ठीक है। हो सकता है वो 15 लोग हो सकता है 15 अक्षर हो सकता है, कुछ भी हो, सिलेक्शन आपका किसी से भी हो सकता है, बॉल्स हैं, बॉल्स का सिलेक्शन भी हो सकता है। तो आपको दी गई है, तो टोटल नंबर्स कितने हैं? एन। अब उसमें से जो सिलेक्शन करना है कितने करने हैं, तो वो क्या होगा? आर। आर क्या रिप्रेजेंट करेगा? नंबर ऑफ सिलेक्शंस, ठीक है। तो हम देख लेते हैं अब यहाँ का जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा। अगर आपने परम्यूटेशन का फॉर्मूला देखा हो तो नीचे क्या रहता था वहां पर, और यहां पर क्या रहेगा आपका? तो यहाँ पर देखिए आप, जो परम्यूटेशन का हम क्वेश्चन करते थे जब भी, वहां पर ये तो रहता ही था इतना पोर्शन, जितना मैं आपको कवर करके बता रहा हूं अभी, है ना। फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर, तो आपका हमेशा ही रहता था, ठीक है, ये परम्यूटेशन में रहता। एक्स्ट्रा क्या आया कॉम्बिनेशन में? भाई फैक्टोरियल आर। तो मैंने आपको एक चीज और बताई थी परम्यूटेशन में कि कैसे हम शॉर्टकट में कर सकते हैं, मतलब हम क्या करें, फैक्टोरियल आर तो आप नीचे पूरा खोल दो, लेकिन एन कितना खोलोगे आप? सिर्फ जितना आर की संख्या दी गई, मतलब अगर मैं यहाँ लिखूँ 7C2 फ्रेंड्स, तो आप क्या लिखोगे? 7C2। तो आपको कितने प्लेस तक खोलना है 7 को? दो प्लेस तक, मतलब कैसे? 7 × 6, आपको 1 तक नहीं जाना है। तो आपको इसका काम जो है ना वो क्या हो जाएगा, आपका कम हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है देखते हैं। देखो 7 × 6 लिखा ऊपर फैक्टोरियल में, बची कितने फैक्टोरियल गया, क्योंकि मैंने दो ही प्लेस तक खोला, एक पूरा का पूरा बच गया, ठीक है। आप समझोगे ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ। आप फैक्टोरियल आर कितना होता है, मतलब फैक्टोरियल 2 भाई, गुणा 7 माइनस कितना होगा 2,
एन कितना है 7 और आपका आर कितना है यहाँ पर 2, तो कितना बचेगा फैक्टोरियल 5। तो आपको एग्जैक्टली यूज क्या हुआ 7 into 6, तो आप हमेशा डायरेक्ट ऐसे ही लिखोगे कितने प्लेस तक ओपन करना 2, तो 7 into 6 और नीचे फैक्टोरियल आर, तो मतलब फैक्टोरियल 2। तो यहाँ पर फैक्टोरियल 2 का मतलब भी क्या होता है 2 into 1, कैंसिल हुआ कितना बचे 21। तो आपको ये समझ में आ गया होगा इस फॉर्मूले को हमें कैसे एग्जीक्यूट करना है और कॉम्बिनेशन हमें एग्जैक्टली बताता क्या। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम स्टार्ट करेंगे हमारे पहले क्वेश्चन से, एग्जैक्टली हमें क्या दिया हुआ है। अच्छा, पहले क्वेश्चन से पहले मैं एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, हमेशा याद रखिए एन सी आर बराबर होता है एन सी एन माइनस आर। ऐसा इसलिए होता है, देखो मैं आपको सॉल्व करके भी बता देता हूँ। जैसे मैंने लिखा 5C2, कितना लिखा 5C2, यहाँ पर क्या हो जाएगा 5C5 माइनस 2, तो मतलब 5C3 हो गया। इसका मतलब ये कितना हो गया 5C3, तो आप 5C2 को सॉल्व कर लेता हूँ भाई, कितने प्लेस तक खोलना है 2, 5 into 4 और नीचे हो फैक्टोरियल 2, तो 2 into 1, ऊपर क्या हो गया यहाँ पर 5 into 4 into 3, कितने प्लेस तक खोलना था 3 प्लेस तक ना, 5 into 4 into 3, अब यहाँ पर फैक्टोरियल कितना आ जाएगा 3, तो 3 into 2 into 1, 3 से 3 कैंसिल हो गया आपका, है ना। अब यहाँ से क्या होगा आपका 2 से ये 4 कैंसिल, तो कितना है यहाँ पर 10 आई इसकी वैल्यू। अब यहाँ देख लेते हैं, कैंसिल करो तो यहाँ भी 5 2 10 आई इसकी वैल्यू। तो आपको समझ में आया कि यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ एन सी आर या एन सी एन माइनस आर तो बात एक ही है, लेकिन इसका यूज़ हम करते क्यों हैं। तो आप ये याद रखना, देखो 7C2 है, कौन सा आपको ज़्यादा आसान पड़ेगा सॉल्व करने पे भाई, जिसमें आर की वैल्यू कम होगी, मतलब आपका फॉर्मूला क्या होता है एन सी आर भाई, एन के रिस्पेक्ट में एन माइनस आर जिसमें कम आएगा, करो एन माइनस आर कितना है, सॉरी एन माइनस आर जिसमें ज़्यादा आएगा कितना आया इसमें, अगर यहाँ देखोगे आप तो कितना आया 5, यहाँ देखोगे तो 2, जिसमें डिफरेंस ज़्यादा आएगा एन और आर के बीच में उसे आपको ले लेना, मतलब आर की वैल्यू जिसमें भी छोटी हो उसे आपको लेना, ये आप नहीं लोगे क्योंकि ये थोड़ा लेंदी पड़ेगा। कैसे देख लेते हैं, 7C2 था मतलब 7 को 2 प्लेसेस तक 2 into, यहाँ कितना था 7C5 मतलब 7 into 6 into 5 कितना हो गया 5 प्लेस, फैक्टोरियल 5 नीचे आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखो तो कितना आसानी से 7 3 21 हो गया जिसमें R की वैल्यू छोटी थी, लेकिन यहाँ अगर मैं देखूँ तो 7 into 6 into 5 into 4 into 3 ये तो कैंसिल हो गया और अल्टीमेटली आपका बचा क्या, देखो दोनों जगह पर 21 आया लेकिन इसका 21 निकालना ज़्यादा आसान था, तो इसलिए हम ऐसा यूज़ करते हैं। जब भी आपकी थोड़ी लेंथी वैल्यू आए तो आप R को हमेशा छोटा बनाने की कोशिश करो, जिसमें देखो चाहे R डायरेक्ट अगर छोटा है तो ठीक है, अगर छोटा नहीं है तो n माइनस आर से भी आप छोटा कर सकते हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। अब हम देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। 10 आदमी और 5 महिलाओं में से 4 व्यक्तियों को लेकर कितने अलग अलग तरीके से समूह बनाया जा सकता है। ओके, आपको क्या करना है, 10 आदमी और 5 महिलाओं में से 4 व्यक्तियों को लेकर, तो आपको यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स आपका क्या दिया है, जो मेल है और क्या दिया है एक फीमेल दिया है, 10 टोटल कितने लोग हो गए 15, क्यों मैंने 15 क्यों लिया यहाँ पर डायरेक्ट, ऐसा क्यों नहीं लिया कि मेल इतनी फीमेल, क्योंकि मेंशन नहीं था तो 15 में से आप चाहे 4 फीमेल लो, चाहे 4 मेल लो, चाहे 2 मेल लो, चाहे 2 फीमेल लो, कितना भी कॉम्बिनेशन कोई भी बनाओ आपका सब काम करेगा, यहाँ कुछ स्पेसिफिकेशन नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर आपका सिलेक्शन कितना करना है आपको, ये तो क्या हो गया आपका एन आर, कितने लोग सिलेक्ट करने थे 4, तो आपका फॉर्मूला क्या होता है एन सी 15C4। अब देखिए इसमें मैं n माइनस आर क्यों नहीं करूंगा, 15 में से 4 घटा तो कितना आता है 11, और 11 मुझे यहां पर लिखना पड़ेगा कि नहीं लिखना पड़ेगा, हाँ मुझे क्या 15 में से 4 घटाओ 11, 15C11 मुझे ज्यादा टफ पड़ेगा एज कंपेयर टू 15C4, तो मैं 15C4 में जिसमें r का मान कम है उसी में सॉल्व करूंगा, 15 14 13 12 अपॉन फैक्टोरियल 4 तो रहता ही 4 3 2 1, ये मैंने कितने प्लेस तक खोला, यहाँ 4 था तो कितने प्लेस तक खुला ये 15 into 14 into 13 12, और नीचे फैक्टोरियल आर रहता है तो क्या हो गया आपका 4 into 3 into 2 into 1, 4 into 3 कैंसिल हो गया किससे 12 से,
13 का जब 7 में करेंगे तो कितना आएगा 91, 91 का जब आप करोगे किस में 15 में तो आपका जाएगा 1365। तो यही आपका आंसर है यहाँ पर इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन क्या था, 10 लोग थे भाई, 10 लोग मेल, 10 लोग नहीं थे, 10 मेल थे, 5 फीमेल थी, टोटल मिला के 15, उनमें से आपको सिलेक्शन करना था 4 लोगों का, तो NCR 15C4। ओके, दैट इज कॉम्बिनेशन एक्चुअली जो हमने अभी करके देखा। अब हम करते हैं इसमें थोड़े वेरिएशंस वाले सवाल जिसमें आपको थोड़ा स्पेसिफिक डेटा दिया जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। 10 आदमी और 5 महिलाओं में से 4 व्यक्तियों को लेकर कितने अलग अलग तरीके से समूह बनाया जा सकता है जिसमें 3 आदमी और 1 महिला होना आवश्यक है। मतलब आपको मस्ट बोल दिया गया है क्या, दिखाइए मैं दिखाता हूं आपको क्या। यहां पर आपको समझना है आप कंसेप्ट, ठीक है, मेन कंसेप्ट आ रहा है इसका कॉम्बिनेशन का जो कंफ्यूजन बच्चों को बनाता है। 10 मैन 5 वुमेन, आउट ऑफ दीस यू हैव टू सिलेक्ट 3 1। यहां पर आपका जो टोटल सिलेक्शन है वो कितने का है, 4। कितने लोगों का है, 4, और वो किससे मिलकर आ रहा है भाई, 3 आदमी और जो ये वर्ड मैंने यूज किया ना और एंड, ये आपको हमेशा बताएगा कि आप जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब आपको क्या साइन यूज करना। कुछ नहीं है, आप देख लेते हैं यहां पर, ये आपको बता रहा है आर की वैल्यू, यहां पर पता चल रही है एन की। भाई पहला जो कॉम्बिनेशन आपका बनेगा 10 आदमियों से कितने सिलेक्ट करने हैं, 3, तो 10C3। यहां पर 5 में से 1, 5C1। लेकिन अब इसमें प्लस करेंगे, माइनस करेंगे, डिवाइड करेंगे कि मल्टीप्लाई, तो याद रखना इसमें दो तरीके ही साइन आएंगे हमेशा। क्या आएगा, पहला साइन है जो आएगा मल्टीप्लाई का। अगर आप जो टोटल सिलेक्शन कर रहे हो, जैसे यहाँ पर 4 लोग सिलेक्ट करने थे जो कि मिलकर बन रहे थे, मिलकर मतलब पूरा सिलेक्शन हो रहा था कि 3 आदमी और 1 औरत, 3 आदमी और 1 औरत, भाई 3 मैन एंड 1 वुमेन एंड लगाए, जहां पर ये कॉम्बिनेशन मिलकर होगा वहां हमेशा आप लगाओगे मल्टीप्लाई का साइन, ठीक है। या वाली जो और वाली कंडीशन आती ना हमारी इंग्लिश में बोल रहा हूं, जब एंड की कंडीशन आएगी 3 मैन एंड 1 वुमेन, तो यहां पर टोटल सिलेक्शन 4 का हुआ तो आप हमेशा क्या लगाओगे, मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यहां हम सॉल्व कर लेते हैं इसे, 10C3 मतलब 10 को आप 9 और 8 तक ओपन करोगे 3 प्लेस, और नीचे फैक्टोरियल 3 मतलब 3 × 2 × 1। 5C1 का मतलब एक ही प्लेस तक, फैक्टोरियल 1 का मतलब कुछ नहीं होता, 1 ही आएगा आपका यहां पर, फिर कैंसिल, कितना बचा 3, कितना बचा 4, 4 × 3 × 10 तो आपका कितना 120, 120 × 5 तो कितना आ गया 600। तो आप 600 तरीकों से इन्हें सिलेक्ट कर सकते हो, कितने वेज में, 600 वेज में। देखिए मेरे हिसाब से आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा, ये एंड वाला कंसेप्ट जो है ना, मल्टीप्लिकेशन वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आप याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के प्रोस्पेक्ट से। तो आप लोगों को यही कंसेप्ट यहाँ पर समझना है कि जब भी आपसे बोला जाएगा मैन एंड वुमेन, यू विल डू लाइक दिस ओनली। चलिए अगला मैं क्वेश्चन आपके सामने लेके आता हूँ, आपको और क्लियर हो जाएगा थोड़ा सा अलग कंडीशन के साथ। 10 आदमी और 5 औरतों में से 4 व्यक्तियों को लेकर, 4 व्यक्तियों को लेकर, 4 व्यक्तियों को लेकर कितने अलग अलग तरीके से समूह बनाया जा सकता है जबकि समूह में 4 आदमी हो या 4 औरत हो। हिंदी में या बोल रहा हूँ, इंग्लिश में और होता है उसका मतलब, ठीक है। तो यहाँ पर अभी इससे पहले हमने कंसेप्ट सीखा था एंड वाला, जैसे हिंदी में आप लिखते हो और या एंड, तो उसमें बनती है मिलकर टीम ए एंड बी, तो मतलब इसका मतलब होगा हमेशा मल्टीप्लाई हो जाएगा उनका जो भी कॉम्बिनेशन बनेंगे अलग अलग उनका। लेकिन जब भी आपका कॉम्बिनेशन कैसा बनेगा, और वाला ये जैसे हिंदी में आप कहते हो, या इसका कॉम्बिनेशन जैसे ए और बी, तो याद रखना इनके जो भी कॉम्बिनेशन बनेंगे वो आपस में क्या होंगे, ऐड होंगे। ये लिख कर रख लो, नोट्स में बहुत काम आ जाएगा, ठीक है। चलिए अभी देखते हैं क्वेश्चन के हिसाब से इसे सॉल्व करके। भाई अगर मैं ये बताऊं आपको, सबसे पहला क्या है आपका, 10 मैन कितने हैं, 10 वुमेन कितनी है भाई, 5। आउट ऑफ दिस ये तो आपका एन है, अलग अलग इंडिविजुअल। भाई आर का अगर देखें तो यहाँ पर भी 4, यहाँ भी 4, लेकिन यहाँ जो लग रहा है कॉम्बिनेशन आपका,
ये किसका लग रहा है, और मतलब अब आप टोटल सिलेक्शन इन दोनों से मिलकर नहीं कर रहे, या तो आप 10 आदमी में से पूरे सिलेक्शन करोगे या तो 5 वुमेन में से, मतलब ये अलग अलग हो रहे हैं टोटल सिलेक्शन। तो अलग अलग हो रहे हैं जब, तो आप हमेशा किसका साइन लगाओगे, जब भी और का सिंबल है तो प्लस का, मतलब यहाँ पर क्या होगा, पहला कंसेप्ट अगर मैं बनाऊँ अपना भाई एन सी आर 10C4 प्लस, ये तो पूरे 4 सिलेक्शन होगा टोटल सिलेक्शन प्लस, अब मैं और दूसरे किस तरीके से कर सकता हूँ टोटल सिलेक्शन 5C4। तो भाई एक बनता है पूरा का पूरा सिलेक्शन उसमें हो रहा है, अगर दूसरे तरीके से आप पूरा सिलेक्शन कर सकते हो तो प्लस का साइन हमेशा लगाओ, क्योंकि तो वो बनेगा या, ये कंडीशन बन सकती है। तो आप 9, 8, 7 ओके 4, 3, 2, 1 प्लस 5C4 को मैं क्या लिख सकता हूँ फ्रेंड्स, देखो 10C4 को मैंने नहीं लिखा 10C6, क्योंकि 6 बड़ा होता ना 4 छोटा है, R की वैल्यू आपको देखनी कौन सी छोटी आ रही, 4 ही छोटी होगी तो मैंने 4 पे, लेकिन 5C4 अगर आप देखो तो इसे भी आसानी से सॉल्व किया जा सकता है, हाँ बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन 5C4 की जगह पे मैं लिख सकता हूँ 5C1 किस फॉर्मूले से, NCR बराबर NCN-R, यहाँ इम्प्लीमेंट इसलिए नहीं है 10C6 हो जाता है, R बड़ा हो जाता है यहाँ पर, लेकिन आप देखो 5 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 1, तो 5C1 हो जाएगा आपका। अब 5C1 का मतलब कितना होगा 5, जब भी 1 आ रहा है आपका R तो आप वही वैल्यू लिख दोगे जो कि आपकी N की दी गई है, ठीक है। और ये याद रखिएगा जब भी फैक्टोरियल में आपका 0 बचता है इसका मतलब होता है 1। ओके लेट्स मूव ऑन द क्वेश्चन, अब यहाँ पर हमें क्या बोला गया है फ्रेंड्स देखते हैं, 4 से कैंसिल हुआ 2, 2 से 2 कैंसिल, 3 से कैंसिल हुआ, यहाँ पर ऐसा आ गया आपका पूरा कैंसिल हो चुका है, 7, 3 21 इंटू 10 कितना हुआ 210, 5C1 का 5, तो आपका आंसर कितना हो गया यहाँ पर 215। तो आई होप आपको जो मैंने आज ये बताया है आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि ये और का कंसेप्ट क्या है और एंड का कंसेप्ट क्या है, मतलब कब हमें प्लस का साइन लगाना है, कब हमें मल्टीप्लाई का साइन लगाना है। अगर स्टिल आपको डाउट है देन यू कैन कमेंट इन कमेंट बॉक्स, वी विल रिप्लाई यू सून। अब सबसे मेन बात इसमें ये हो जाती है कि आप जितनी प्रैक्टिस करते हो, देखो मैंने आपके अंदर ये कंसेप्ट ऐसा नहीं है कि रटना है इसे, रटो मत, समझो कि किस तरीके से हम करना चाह रहे हैं, समझ लिया तो कभी आपको कुछ और करने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं, क्योंकि आप डिटेल समझ चुके हो उसकी, ठीक है। आने वाले लेक्चर्स में कुछ और क्वेश्चन आपके सामने लेके आऊँगा जो एग्ज़ाम में काफ़ी पूछे जाते हैं कॉम्बिनेशन से ही रिलेटेड। अब आज के लिए मैं आपसे अलविदा लेना चाहूँगा, थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the video.